हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू राखीज रसोई। फ्रेंड्स, सर्दियों में हम कई डिफरेंट टाइप के लड्डू बनाते हैं, तो आज मैं आपके साथ गोंद के लड्डू की रेसिपी लाई हूँ। गोंद के लड्डू में हम बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स भी यूज़ करेंगे और इसमें हम बिल्कुल चीनी नहीं यूज़ करेंगे। इसका मतलब ये हम यहाँ पर गुड़ यूज़ करेंगे, यानी हमें यहाँ पर चाशनी बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आज के जो गोंद के लड्डू बनाने के लिए मैंने जो मेजरमेंट्स लिया है उसके हिसाब से ये बराबर 1 किलो के लड्डू बन जाएंगे। अगर आपके पास वेइंग स्केल ना हो तो आप कटोरी वाले मेजरमेंट रहेंगे, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। इस लड्डू बनाने के लिए आप क्या क्या वेरिएशंस कर सकते हो ये मैं आपको आगे वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताती रहूंगी, तो वीडियो को पूरा देखिए और स्किप बिल्कुल ना करें। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी मैं रेसिपी वीडियो पोस्ट करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले हम एक एक करके इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है कटोरी के मेजरमेंट से, यानी आप घर में कोई भी एक कटोरी सेट कर ले और उसी कटोरी से सारे इंग्रेडिएंट्स को मेजर करें। अगर आप किलो में देखे जाए तो ये गोंद है 150 ग्राम, यानी 150 ग्राम्स। कटोरी के हिसाब से ये हाफ कटोरी गोंद है। आपको ये गोंद आसानी से जहाँ ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं वहाँ मिल जाएगी, या तो आपको आयुर्वेदिक शॉप में ही मिल जाएगी। इस गोंद से आपकी हड्डियाँ काफ़ी मजबूत होगी। सर्दियों में ये गोंद खाने से बॉडी में काफ़ी वार्मथ यानी गर्मी मिल जाएगी। नेक्स्ट हम लेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स में काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट लिया है। ये सारे मैंने 50-50 ग्राम लिया है। इन टोटल वेट में देखे जाए तो ये 200 ग्राम है। इसे मैंने चॉपर में इस तरह सेमी क्रश कर लिया है। आप चाहे इसे कंप्लीट पाउडर भी कर सकते हो, या आप चाहे इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर सकते हो। आपको जैसे पसंद है आप वैसे कर सकते हो। किसी को क्रंची लड्डू पसंद है तो आप क्या करें, यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स के छोटे छोटे पीसेस कर दें। और अगर किसी को एकदम मुंह में घुल जाने वाले लड्डू यानी सॉफ्ट वाले लड्डू चाहिए तो आप इस ड्राई फ्रूट्स के एकदम फाइन पाउडर कर दें। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट। तो यहाँ पर मैंने लिया है सूखा खोपरा यानी ड्राई कोकोनट। ये अगर ग्राम्स में देखे जाए तो ये 100 ग्राम्स है और कटोरी के मेजरमेंट से ये हाफ कटोरी है। ये आपको अगर ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी ले सकते हो। ध्यान रहे हमें यहाँ पर सूखा खोपरा ही लेना है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है गेहूं का आटा। तो ये गेहूं का आटा मैंने 200 ग्राम लिया है। आप देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा दरदरा आटा है। अगर आपको चिकने लड्डू पसंद है तो आप यहाँ पर 150 ग्राम चिकना आटा यानी नॉर्मल गेहूं का जो हम रोटी बनाते हैं उसी आटे से आप ये बना सकते हो, और 50 ग्राम थोड़ा सा रवा या दरदरा आटा डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर 200 ग्राम गेहूं का आटा लिया है, आप चाहे रागी का आटा या सिंगाड़े का आटा भी ले सकते हो। नेक्स्ट हम लेंगे घी। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम घी लिया है। अगर कप से मेजरमेंट आप देखे जाए तो ये आधा कप से थोड़ा ऊपर घी है। नेक्स्ट हम लेंगे मखाना। जो भी ड्राई फ्रूट्स मैंने आज यूज़ किया है वो जो आपको पसंद है आप वो ले सकते हो। यहाँ पर मैंने मखाना 30 से 40 ग्राम लिया है। नेक्स्ट हम लेंगे गुड़। तो ये गुड़ मैंने 1 कटोरी लिया है। अगर आप वेट के हिसाब से देखे जाए तो ये 250 ग्राम गुड़ है। गुड़ को आप इस तरह बारीक चॉप कर ले, जब हम इसे मेल्ट करेंगे तो ये फटाफट से मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक मैंने सारे कप और ग्राम्स दोनों में आपके साथ मेजर शेयर किया है। अगर आपको बहुत कम बनाना हो तो आप कप से भी ये लड्डू बना सकते हैं। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई को गैस पर रख दें, उसमें सिर्फ 2 से 3 टीस्पून घी डालें। घी जैसे ही गर्म हो जाए पहले हम मखाने को रोस्ट करेंगे। तो मखाने रोस्ट करते हुए हमें सिर्फ 2 से 3 मिनट लग जाएंगे, जब तक ये हल्के से क्रिस्पी ना हो जाए। लगभग 3 से 4 मिनट में आप देखें मखाने अच्छे से हल्के से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। आप इसे एक प्रेस करके देखिए, एकदम ये क्रम्बल हो रहा है, मतलब ये मखाने अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। रोस्ट होने के बाद इसे एक प्लेट में निकाल दे। ठंडा होने के बाद इसे ग्राइंड करके तैयार रख दे। अब हम नारियल को रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर नारियल का खीर जो है इसे हम स्लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। ये बहुत ही जल्द रोस्ट हो जाएगा, इसीलिए इसे लगातार मिक्स करते रहे। इसे रोस्ट करने में भी हार्डली 1 से 2 मिनट लग जाएगा। ये देखिए हल्के से गोल्डन ब्राउन हुए, तब तक ही इसे हम रोस्ट करेंगे। इसे ओवर रोस्ट ना करें वरना नारियल का तेल रिलीज हो जाएगा। इसे भी निकाल के एक प्लेट में रख दे। अब हम ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करेंगे। उसी कढ़ाई में 2 से 3 टीस्पून घी डालें और जो भी ड्राई फ्रूट्स हमने चॉप करके रखा था वो हम इसमें डाल देंगे और इसे हल्के से रोस्ट करेंगे। यहाँ पर अगर आपको घी कम लगता हो तो आप 1 से 2 टीस्पून घी और भी डाल सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आप ड्राई फ्रूट्स के पाउडर यूज करते हो तो आपको रोस्ट नहीं करना है। जैसे हम आटे को अच्छे से रोस्ट करेंगे, जब आप इस पाउडर को डाल दे तो वो रोस्ट हो जाएंगे। यहाँ पर मैं ड्राई फ्रूट्स के पीसेस डाल रही हूँ, इसीलिए मैं पहले इसे रोस्ट कर रही हूँ। आप देखिए
लगातार 3 से 4 मिनट मैंने अच्छे से इसे मिक्स करते हुए रोस्ट कर दिया है और ये हल्के से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इसे भी एक प्लेट में निकाल के रख दे। अब उसी कढ़ाई में जितना भी घी बचा था उसका आधा घी इसमें डाल दे और उसे अच्छे से गर्म होने दे। जैसे ही गर्म हो जाए, अगर आपको यहाँ पर डायरेक्ट गोंद फ्राई करना हो तो आप थोड़ा थोड़ा गोंद ले, गर्मा गर्म घी में डाले, उसे फ्राई करें और निकाल दे और फिर से एक चम्मच गोंद ले, फ्राई करें और निकाल दे। ये एक गोंद फ्राई करने का एक प्रोसेस है, लेकिन मैं आपको एक और इजी तरीका बताती हूँ। आप देखिए, यहाँ पर इसी गोंद को मैंने मिक्सी जार में कच्चा ही पीस लिया था। पीसने के बाद इस तरह आपको गोंद का पाउडर मिल जाएगा। इसे भी हम बड़ी आसानी से रोस्ट कर सकते हैं। इसे रोस्ट करने के लिए पहले हम आटे को अच्छे से रोस्ट करेंगे। आटा अच्छे से रोस्ट हो जाए उसके बाद ही हम इस कच्चे गोंद को रोस्ट करेंगे, तो ये इजीली रोस्ट हो जाएगा। तो पहले ये घी में गेहूं का आटे को अच्छे से रोस्ट करें। इसे रोस्ट करने में हमें लगभग 7 से 8 मिनट लग जाएगा और एकदम स्लो फ्लेम पर इसे रोस्ट करें। आप देखिए, लगभग 8 से 10 मिनट बाद एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब जो बचा हुआ घी था वो भी इसमें डाल दें और हल्के से सिर्फ 1 मिनट और रोस्ट करें। इससे घी और जो आटे का मिक्सचर है एकदम अच्छे से गर्म हो जाएगा। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके गोंद का पाउडर डालेंगे। तो गोंद का पाउडर रोस्ट करने के लिए एक हाथ से आप इस मिक्सचर को मिक्स करते रहे और एक हाथ से आप एक एक स्पून गोंद का पाउडर सब जगह स्प्रेड करते हुए डालते रहे। इस तरह करने से गोंद आसानी से रोस्ट हो जाएगा। ध्यान रहे, आप एक साथ यहाँ पर गोंद का पाउडर बिल्कुल भी ना डालें। सिर्फ एक हाथ से आप इसे मिक्स करते जाएं और एक और हाथ से आप एक एक स्पून डालते जाएं। तो ये प्रोसेस बहुत इजी है। इससे आपको एक जैसे गोंद फ्राई हो जाएगा और गोंद के लड्डू भी एकदम क्रंची बनेगी। यहाँ पर आप खास ध्यान दें कि एक साथ आप ज़्यादा गोंद का पाउडर ना डालें, सिर्फ एक एक स्पून डालें और ये जैसे जैसे फ्राई होते जाएगा ये सारा घी एब्जॉर्ब करेगा और ये जो गेहूं का आटा और गोंद का मिक्सचर है ये थोड़ा टाइट हो जाएगा। आप देखिए, इस तरह मैंने सारा गोंद का पाउडर को अच्छे से रोस्ट कर दिया है और ये मिक्सचर ने सारा घी एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इसे थाली में ट्रांसफर कर दें और जो भी ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट किया था वो भी इसमें डाल दें। इसे अच्छे से मिक्स कर दें। ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब यहाँ पर नारियल का खीस भी अच्छे से रोस्ट किया था वो भी इसमें डाल दें और जो मखाना रोस्ट किया था उसे मैंने मिक्सी जार में ग्राइंड कर लिया था और इस तरह का पाउडर तैयार हो चुका है वो भी इसमें डाल दें। अब थोड़े से मसाले डालेंगे, जैसे कि इलायची पाउडर, थोड़ा सा जायफल पाउडर और लौंग का पाउडर। ये फ्रेंड्स, यहाँ पर मसाला डालना ऑप्शनल है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए, ये हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो चुके। अब इसमें मिठास लाने के लिए गुड़ डालेंगे। उसके लिए कढ़ाई को गैस पर रखें और इसमें सिर्फ 1 टीस्पून घी डालें। घी जैसे मेल्ट हो जाए उसमें गुड़ डाल दें और इसे लगातार मिक्स करते रहें। यहाँ पर आप गैस का फ्लेम मीडियम रखें। इसे हम लगातार मिक्स करते हुए सिर्फ गुड़ को मेल्ट करना है। लगभग 3 से 4 मिनट में गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और हल्के से आपको बबल्स दिखेंगे। बस उतना ही इसे गर्म करें, इससे ज़्यादा आप ना करें। अगर इससे ज़्यादा करोगे तो ये लड्डू काफ़ी हार्ड बन जाएंगे। तो देखिए, ये ऊपर आपको अच्छे से बबल्स दिख रहे। गैस बंद कर दें और ये गर्मा गर्म गुड़ का मिक्सचर सारे ड्राई फ्रूट मिक्सचर के ऊपर ट्रांसफ़र कर दें और इसे स्पून से ही फटाफट मिक्स करें। क्योंकि ये काफ़ी गर्म है, इसे स्पून से मिक्स करते रहे। जैसे आपको लगता है कि आप हाथ से इसे हैंडल कर पाओगे तो इसे हाथ से अच्छे से मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद इस मिक्सचर को बहुत ज़्यादा ठंडा ना करें। ज़्यादा ठंडा करोगे तो ये लड्डू नहीं बनेंगे। आप थोड़ा थोड़ा मिक्सचर ले, फटाफट से हाथ से इस तरह गोल गोल शेप देते हुए लड्डू बांध दे। जब तक ये मिक्सचर थोड़ा कुनकुना रहेगा लड्डू आसानी से बन जाएगी, लेकिन जैसे ही मिक्सचर काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो ये अच्छे से बाइंड नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, इस मिक्सचर को गैस पर फिर से रखना है और हल्के से इसे रोस्ट करना है। जस्ट हल्का सा, हार्डली 30 से 40 सेकंड ये थोड़ा गर्म हो जाए उतना ही इसे रोस्ट करें। फिर से आप मिक्सचर को हाथ में ले और फटाफट से लड्डू बांध ले। तो ये हमारे गोंद के लड्डू तैयार हो जाएंगे। इस तरह मैंने सारे लड्डू बना लिए हैं और जितने मैंने मेजरमेंट बताया है उसके हिसाब से मेरे 1 किलो 200 ग्राम के आसपास लड्डू बने हैं। फ्रेंड्स, ये लड्डू आप आराम से बना के रखें, ये 1 से 2 महीने भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप ये डेली कंज्यूम करें और इस लड्डू के ऊपर गर्मा गर्म दूध ले लें तो ये काफ़ी आपका हेल्दी ब्रेकफास्ट हो जाएगा।
चलिए मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए ये बड़ी आसानी से एकदम इजीली टूट रहा है, यानी एकदम क्रंची बनी है। फ्रेंड्स रेसिपी काफ़ी इजी है। कहते हैं सर्दियों में आप जितना ड्राई फ्रूट्स खाओगे साल भर के लिए आपकी इतनी एनर्जी सेव रहेगी। तो आप ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके गोंद के लड्डू कैसे बने। अच्छी लगी हो फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मुझे लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप ट्राइंग माय रेसिपीज़।